नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर और मैं हूं आपके साथ आकाश। जी हां, आज हम आपको हिंदू धर्म में प्रयोग में लाए जाने वाले पान के बारे में बताते हैं। जी हां, अक्सर आपने देखा होगा पान के पत्ते का हमारे यहां बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई बार शुभ काम में, किसी भी पूजा पाठ यज्ञ या कोई भी बड़े अनुष्ठान में पान के पत्तों को बहुत ही तरीके से पूजा जाता है और इसी से पूजा की जाती है। वहीं कई बार आपने देखा होगा शादी विवाह जैसे माहौल में भी पान खिलाकर ही किसी भी रिश्तेदार या किसी भी अतिथि का स्वागत भी किया जाता है, इसलिए पान को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। वहीं आपको बता दें कि पान के पत्ते के कुछ आसान उपाय करके भी हम अपने जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, ये एक कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और इन उपायों को करने से आपके जीवन में पैसों का भंडार होने लगेगा, आपका कारोबार काफी तेजी से चलने लगेगा, वहीं आपकी नौकरी और कारोबार व्यापार में काफी तेजी से वृद्धि होने लगेगी। तो आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय पान के पत्ते से जुड़े हुए, जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में काफी सुखद अनुभूति का एहसास करेंगे। तो चलिए बिना देरी की आपको बताते हैं आखिर कौन से हैं वो उपाय। पान के पत्ते से लाभ पाने के लिए आपको अपनी जेब में पान का पत्ता, खीरा या फिर धनिया रख सकते हैं। इन्हें अपनी जेब में रखने के बाद घर से निकले, माना जाता है जिस भी कार्य के लिए आप जा रही हैं वह शुभ होता है। जी हाँ, कोई भी शुभ काम के लिए अपने घर से आप निकलते हैं, आप विशेषकर अपने कारोबार से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी इंटरव्यू के समय आप निकलते हैं, तो आप अपने जेब में एक पान का पत्ता जरूर रख लें और इसको रखने के बाद आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही गणेश जी को पान पर कंसार कोरे रखकर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, भगवान गणेश ऐसा करने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इससे जीवन में सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। वहीं बुधवार के दिन पान का सेवन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ, आप स्वाद के लिए पान खाते ही होंगे और आप बुधवार के दिन अगर पान का सेवन करेंगे तो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पान के पत्तों को यदि आप घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो इससे घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और आप अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्रतिदिन इन पत्तों को बदलते रहें, कोई भी मुरझाया हुआ पत्ता, यानी कि जो पत्ता मुरझा जाता है या फिर सुकड़ जाता है या सूख जाता है, ऐसे पत्तों को तुरंत वहां से हटा दें, वरना कुछ परेशानी भी आपको हो सकती है। आप रोजाना अपने घर के दरवाजे पर, जिसको तोरण भी बोला जाता है, तो अगर किसी कलावे में या मौली में बांधते हैं और टांगते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं आप 7 गुलाब की पंखड़ियां पान के पत्ते पर रखकर खिलाने से नजर दोष से भी बच सकते हैं। जी हाँ, अक्सर बहुत से लोगों को नजर लग जाती है। कई बार देखा होगा कि हमारे कारोबार या हमारे व्यापार में या हमारी नौकरी में वृद्धि होने के चलते हमारे अपने ही हमको नजर लगा देते हैं, तो इससे बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। अगर आप इस पान के उपायों को बुधवार के दिन करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, साथ ही आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी तिजोरी नोटों से भरी हुई नजर आएगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, साथ ही कुबेर आपके भंडार भर देंगे। तो ये आसान से उपाय दर्शकों आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भक्ति सागर। नमस्कार।